पर बड़ा एक्शन हुआ है। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को प्रतीक्षारत किया गया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, रेणुका मिश्रा पर बड़ा एक्शन। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को परीक्षा रद्द किया गया है। तो सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां रेणुका मिश्रा पर बड़ा एक्शन हुआ है, लखनऊ से ये बड़ी खबर है। जहां डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को परीक्षा रद्द किया गया है, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो रेणुका मिश्रा पर बड़ा एक्शन लिया गया है, लखनऊ से यह खबर है। बता दें, डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को प्रतीक्षा रद्द किया गया है। यहां सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। रेणुका मिश्रा पर बड़ा एक्शन लिया गया है, डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को प्रतीक्षा रद्द किया गया है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ वीरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है, रेणुका मिश्रा पर एक्शन लिया गया है सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब सिपाही भर्ती 60,000 करीब पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए परीक्षाएं हुई थी, तो उसके पेपर लीक हुए और सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और इस मामले की एसटीएफ को जांच सौंपी है। लेकिन आज सरकार ने भर्ती बोर्ड की चेयरमैन रेणुका मिश्रा, जो 1990 बैच की आईपीएस अफसर हैं, उनको हटा दिया है। तो ये साफ है कि भर्ती बोर्ड में जो परीक्षा को लेकर लीकेज हुआ था, उसकी गाज आज रेणुका मिश्रा पर गिरी है और सरकार ने उनके कामकाज से नाखुश होते हुए उनको हटा दिया है। उनकी जगह पर 1991 बैच के राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड का, पुलिस भर्ती बोर्ड का नया डीजी बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। वो इस समय विजिलेंस के भी डीजी हैं और उसका भी चार्ज उनके पास रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो किरकिरी हुई सरकार की और जो बदनामी हुई, जो परीक्षा में धांधली की खबरें आई, उससे सरकार नाराज थी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को इस फेलियर के लिए हटाया गया है। जी, खैर, धन्यवाद वीरेन जी तमाम जानकारियों के लिए। रेणुका मिश्रा पर बड़ा एक्शन हुआ है, लखनऊ से ये बड़ी खबर है। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को प्रतीक्षा रद्द किया गया है।